हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी। इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे क्लास 11 के चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी की सेकंड एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है क्वेश्चन नंबर 4 की। थ्री कॉइन्स आर टोस्ट वंस। तीन कॉइन को आप एक बार टोस्ट करते हैं, तो जैसे ही तीन कॉइन को एक बार टोस्ट किया जाता है तो सैंपल स्पेस में जो टोटल एलिमेंट हो जाते हैं हमारे पास वो हो जाते हैं 8, क्योंकि अगर तीन कॉइन एक साथ टोस्ट होते हैं सैंपल स्पेस में 2 की पावर 3 यानी कि 8 हमारे पास जो भी है पॉसिबल आउटकम वो होता है। तो उसको लिखने का मेथड हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वो 8 केस कौन से होंगे, आप ऐसा कीजिए, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, अल्टरनेट आप हेड टेल लिख लीजिए, फिर दो बार हेड और दो बार टेल, दो बार हेड दो बार टेल, फिर 4 बार हेड और 4 बार टेल। तो सैंपल स्पेस में हमारे पास ये पॉसिबल 8 आउटकम्स आ सकते हैं जब तीन सिक्के को एक बार टॉस किया जा सकता है। तो सैंपल स्पेस में हमारे पास आ गए 8 एलिमेंट। अब ये नेक्स्ट कहते हैं लेट ए डिनोट द इवेंट। ए कौन सा इवेंट है, ए वो इवेंट है जिसमें 3 हेड्स शो, वो सारे ए इवेंट में आएंगे जिसमें हमें 3 हेड मिलते हैं। तो 3 हेड शो, 3 हेड केवल एक ही ऐसा केस है जिसमें हमें मिले, तो हेड 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 ये केवल एक ही केस है। तो ए इवेंट में हमारे पास केवल और केवल 8 में से केवल एक पॉसिबल केस आएगा। अब नेक्स्ट कहते हैं बी, बी इवेंट की अगर हम बात करें तो बी डिनोट द इवेंट। बी कौन सा इवेंट है जिसमें आपको मिलता है 2 हेड एंड 1 टेल। तो बी इवेंट में आपने वो सभी एलिमेंट लेने, वो सभी केस लेने जिसमें आपको 2 हेड और 1 टेल मिले। तो 2 हेड और 1 टेल, देखिए 2 हेड और 1 टेल यानी कि HHT, एक तो HHT ये हो गया, HTH इसमें भी 2 हेड और 1 टेल है, और हमारे पास हो जाएगा THH इसमें भी हमारे पास 2 हेड और 1 टेल है, और हमारे पास जो केस बनेगा इसमें से 8 में से और कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसमें 2 हेड और 1 टेल। तो यहाँ पर बी इवेंट में टोटल जो पॉसिबल आउटकम में से हमें 3 केस ऐसे मिले जो बी इवेंट में बिल्कुल सेट बैठते हैं। तो यहीं पर अगर सी इवेंट की बात करें, सी इवेंट हमें गिवन है, सी डिनोट द इवेंट 3 टेल शो, 3 टेल, तो वो इवेंट जिसमें तीनों टेल आती है उसको इसने नाम दिया सी इवेंट का। तो सी इवेंट टेल 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 ये भी केवल एक ही केस बनेगा इसमें से, तो ये हमारे पास सी इवेंट भी हो गया। डी इवेंट की बात करें तो डी डिनोट द इवेंट ए हेड शो ऑन द फर्स्ट कॉइन, तो वो सभी केस जिसमें पहले कॉइन पर हेड आ जाता है, तो वो सभी केस हमें डी में हमने काउंट करने हैं। तो एच 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 इसमें देखिए फर्स्ट कॉइन पर हेड आ गया तो हमने इसको डी में हमने ले लिया, एच एच टी इसमें भी फर्स्ट कॉइन पर हेड आ गया, एच टी एच इसमें भी फर्स्ट कॉइन पर आपको हेड मिल रहा है, और हमारे पास आएगा एच टी टी। तो मतलब स्टार्टिंग के 4 केस वो है जिसमें आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट कॉइन पर ही हेड मिल रहा है। तो ये टोटल जो 4 केस होंगे वो डी इवेंट में आ जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन दे रखा था, 3 कॉइन को टॉस किया तो सैंपल स्पेस हमें पता लग गया, सैंपल स्पेस में इस तरह से टोटल हमारे पास कितने 8 केस पॉसिबल केस हुए। फिर इस एक एक करके इसने 4 इवेंट बता रखी है कि ए बी सी डी जो भी पर्टिकुलर इवेंट्स है वो सभी हमें दे दी, तो वो सभी हमने निकाल ली ए बी सी डी इवेंट। नेक्स्ट ये कहते हैं विच इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि हम इस एक्सरसाइज में सेकेंड एक्सरसाइज में मेनली बात म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की ही करते आए हैं, तो हमने यहाँ पर बताना है कि कौन से इवेंट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और कौन से इवेंट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ए और बी की। आप देखिए यहाँ पर क्या ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 आ जाता है यानी कि अगर उसमें कुछ भी कॉमन ना हो तब हम कहते हैं कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अदरवाइज वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों इवेंट में, ए इवेंट हेड 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 है, बी इवेंट में हेड 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 नहीं है, तो दोनों इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसलिए सबसे पहला ए और बी की अगर बात करें, ए और बी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे क्योंकि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी 5 आ रहा है। अब अगर ए और सी की बात करें,
ए इंटरसेक्शन सी, ये भी क्या आ रहा है, फाइव। ए और सी में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर ए और डी की बात करें, ए और डी में देखिए कुछ कॉमन है, देखिए हेड 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 ए में भी है और हेड 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 डी में भी है, तो ए इंटरसेक्शन डी इज नॉट इक्वल टू फाइव, सो ए एंड डी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हमने ए बी का चेक कर लिया, ए सी ए डी भी हमने चेक कर लिया। अब अगर बी और सी की बात करें, क्या बी और सी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? बिल्कुल है, क्योंकि बी और सी में कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन नहीं है, तो ये भी क्या आ रहा है, फाइव, तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बी और डी में देखिए कॉमन, बी और डी में हेड हेड टेल, हेड हेड टेल आपको कॉमन मिल गया, तो इसलिए बी और डी दोनों में जो जो इंटरसेक्शन है वो फाइव नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, इसलिए ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो हमने बी डी बी सी बी डी चेक कर लिया। अब सी और डी आप चेक करिए, सी और डी में आपको कॉमन कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर सी इवेंट कह रहा है तीनों टेल आने चाहिए, और डी इवेंट कह रहा है कि इसमें तीनों टेल तो कहीं पर भी नहीं है, तो इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी क्या आ रहा है, फाइव। इसलिए सी और डी भी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। तो कौन कौन से पेयर इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जिसमें भी दोनों का जो कॉमन है वो फाइव आ रहा है, वो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, और जिसमें कॉमन आ रहा है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। ये तो था फर्स्ट पार्ट। इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है, कि कौन से इवेंट सिंपल इवेंट है। सिंपल शब्दों में देखे, सिंपल इवेंट वो इवेंट होते हैं जिसमें आपको केवल एक पॉसिबल केस मिले। जैसे एक तो हमारे पास इवेंट ए देखिए और एक इवेंट सी, जो पॉसिबल आउटकम इसमें केवल एक ही पॉसिबल है, या तो तीनों हेड या तीनों टेल। तो जिसमें केवल एक पॉसिबल आउटकम हो, तो ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं सिंपल इवेंट। तो सिंपल इवेंट कौन कौन से हो जाएंगे, इवेंट ए एंड इवेंट सी आर सिंपल इवेंट। लास्ट देखिए कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट कौन से होते हैं, जो सिंपल नहीं होते, यानी कि जिसके जो पॉसिबल केस है एक से ज्यादा हो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में बी और डी इवेंट, इसमें एक से ज्यादा पॉसिबल केस पॉसिबल है, तो इसलिए बी और डी जो ऐसे इवेंट है जो कि कौन से इवेंट है, कंपाउंड इवेंट। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने एक बार रफ आइडिया ले लेते हैं कि क्या चीज किया हमने इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमने सैंपल स्पेस बनाया, तीन कॉइन को टॉस किया, सैंपल स्पेस आपको क्लियर है। फिर जो भी इवेंट हमें दे रखे, ए बी सी डी आपको इवेंट दे रखे, वो सारे हमने यहाँ पर लिख लिए। अब पहला पार्ट पूछा गया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो जिसमें जिन जिन इवेंट्स में आपस में इंटरसेक्शन फाइव है, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। और अगर कुछ भी कॉमन आपको दिख जाता है तो हम कह देंगे दीज इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सिंपल की अगर बात करें तो ऐसा इवेंट जिसमें केवल आपको एक पॉसिबल केस मिले, जैसे कि ए और सी, तो वो सिंपल इवेंट हो जाएंगे। और कंपाउंड इवेंट जिसमें एक से ज्यादा केस पॉसिबल हो, बी और डी में जैसे ज्यादा केस पॉसिबल है, तो इसलिए ये कंपाउंड इवेंट हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आप इजीली ये कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।